तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं जीके के टू फोर सेवन तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं ठीक है तो आइए बिना किसी बात की देरी करके हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को हुईज विटामिन इज ऑल्सो नॉन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा विटामिन जो कि एंटी इन्फेक्टिव विटामिन के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए में विटामिन ए ऑप्शन बी विटामिन बी ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी सो इन जो चार ऑप्शन है इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होता है विटामिन ए विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं ठीक है ए आई भी एंटी इन्फेक्टिव विटामिन ठीक है देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए इन लीफी वेजिटेबल्स ठीक है विटामिन ए का सोर्स लिपी वेजिटेबल्स में क्या है ठीक है यानि कि लिपी वेजिटेबल्स में विटामिन ए का कौन सा पार्ट रहता है ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी कैरोटीन ऑप्शन सी साइट्रोसिल ऑप्शन डी ग्लूकोज सो so, इसका राइट आंसर होता है कैरोटीन ठीक है कैरोटीन ही रहता है विटामिन ए में जो कि लिपी वेजिटेबल्स में पाया जाता है ठीक है देन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है ठीक है सो विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ई और विटामिन के इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होता है विटामिन के जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ठीक है देन हुई इज द पिगमेंट गिव्स योलो कलर टू द मिल्क कौन सा पिगमेंट जो कि मिल्क को योलो कलर देता है ऑप्शन ए में कैरोटीन ऑप्शन बी थैमिन ऑप्शन सी बोथ कैरोटीन एंड थायमिन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज ठीक है तो इन चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर होता है कैरोटीन जो कि जो कि मिल्क को येलो कलर प्रोड्यूस करता है ठीक है देन टाइप्स ऑफ विटामिन बी भी. विटामिन बी भी के कुछ टाइप्स हैं उसको आइए थोड़ा सा देख लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं देखो विटामिन बी भी वन का नेम होता है थायमिन िन विटामिन बी वन का नेमिंग होता है देन विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं विटामिन बी टू को राइबोफ्लेविन कहते हैं विटामिन बी थ्री को नियासिन कहते हैं विटामिन बी थ्री जो होता है उसको नियासिन कहते हैं एन आई ए सी आई एन ठीक है एन आई ए सी आई एन विटामिन बी थ्री को नियासिन कहते हैं देन पेंटोथनिक एसिड विटामिन बी में ही इंक्लूड रहता है देन विटामिन बी सिक्स रहता है देन विटामिन बी सेवन बी सेवन का ऑल्टरनेटिव नेम है बायोटिन ठीक है विटामिन बी सेवन का ऑल्टरनेटिव नेम होता है बायोटिन और विटामिन बी ट्वेल्व रहता है देन फॉलिक फॉलेट एंड फॉलिक एसिड भी रहता है वही विटामिन बी ट्वेल्व में सो विटामिन बी में जितने सारे होते हैं उसका पार्ट ये सभी याद रखना बहुत ही जरूरी है ठीक है क्योंकि इस इसके बेसिस में ही क्वेश्चन आते हैं विटामिन बी से ही ज्यादातर क्वेश्चन ही आते हैं देन हुईज विटामिन कॉन्टेंट्स कोबाल्ट ठीक है कौन सा विटामिन जो कि कोबाल्ट कंटेन करता है देन ऑप्शन ए में देखो ऑप्शन ए में होता है विटामिन बी वन ऑप्शन बी विटामिन बी थ्री ऑप्शन सी विटामिन बी सेवन ऑप्शन डी विटामिन बी ट्वेल्व सो विटामिन बी वन का अदर नेम क्या होता है अदर नेम क्या होता है अभी बताया है थायमिन थामिन होता है विटामिन बी वन का अदर नेम विटामिन बी थ्री का अदर नेम क्या है विटामिन बी थ्री का अदर नेम है नियासिन देन विटामिन बी सेवन का अदर नेम क्या है बायोटिन ठीक है विटामिन बी सेवन का अदर नेम होता है बायोटिन और विटामिन डी इसको सियानो कोवालमिन भी कहते हैं सो so, इसमें इसका राइट आंसर होता है विटामिन बी ट्वेल्व जो कि कोबाल्ट कंटेन करता है इसका अदर नेम होता है सियानो सियानो कोबालमिन बाल मिन कोबलमीन ठीक है सियानो कोबालमिन इसको कहते हैं सो दिटामिन कोबाल्ट इज कॉल्ड विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है हुईच विटामिन ऊंड कौन सा विटामिन जो कि ऊंड को हील करने के लिए हेल्प कर रहा है विटामिन ए सॉरी भी, विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी और विटामिन ई e. सो so, ऊन को हील करता है कौन सा विटामिन विटामिन सी होता है इसका राइट आंसर ठीक है देन हु डिस्कवर दैट द प्लांट हैव लाइफ किसने डिस्कवर किया था कि प्लांट का लाइफ होता है ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ऑप्शन सी जेसी बोस सो इसका राइट right आंसर होता है जेसी बोस जिसने प्लांट जिसने कहा था कि प्लांट्स का लाइफ होता है और रॉबर्ट हुक क्या ये सेल को डिस्कवर किए थे सेल सेल को डिस्कवर किए थे डिस्कवरी ऑफ सेल कहते हैं देन व्हिच गैस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है वो किस गैस के कारण हो रहा है ऑप्शन ए में सी जो कि क्लोरो फ्लोरो कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहते हैं इसको ठीक है क्लोरो फ्लोरो, फ्लोरो कहते हैं सी एफ सी ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन डी मीथेन सो इसका राइट आंसर होता है किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है ठीक है देन हुई विटामिन हेल्प्स टू हेल्प्स फॉर इम्यूनिटी बिल्डिंग कौन सा विटामिन जो इम्यूनिटी को बिल्ड करता है ठीक है ऑप्शन ए विटामिन सी ऑप्शन बी फॉलिक एसिड ऑप्शन सी विटामिन ए ऑप्शन डी विटामिन के ये जो फॉलिक एसिड होता है ये किस में किसके अंदर जाता है ये विटामिन बी के अंदर ठीक है so, सो विटामिन बी के अंदर ये फॉलिक एसिड जाता है तो इसका राइट आंसर होता है विटामिन सी जो कि इम्यूनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है ठीक है जो कि इम्यूनिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है देन यहाँ कुछ देखेंगे जो कि लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट फ्लावर क्या है उसको राप्लेसिया कहते हैं ठीक है राफ्लेसिया राफ्लेसिया कहते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर ठीक है सो देन लार्जेस्ट फ्लावर के बाद आता है स्मॉलेस्ट फ्लावर स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ वर्ल्ड इज वोलोफिया डब्ल्यू ओ एल एल ओ वोलोफिया ठीक है स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड इज ओलोफिया ठीक है देन व्हिच प्लांट ग्रोज फास्टर्स इन हीज लाइफ कौन सा प्लांट जो कि उसके लाइफ में बहुत ही फास्ट ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं उसको बाम्बो बाम्बो जो है बाम्बो उसके लाइफ में बहुत ही तीव्र गति से क्या करता है ग्रो करता है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक सा... शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा ठीक है क्योंकि इस उसके थ्रू कुछ मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियो लाने के लिए ठीक है देन अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ठीक है धन्यवाद